नाइन्थ क्लास हमने 11th चैप्टर शुरू किया हुआ था। 11th चैप्टर कौन सा है? कार्य तथा ऊर्जा। ठीक है बेटा, इसकी डेफिनेशंस कुछ समझाई थी। अब आगे क्वेश्चन है कि हम कब कहते हैं कि कार्य किया गया है। तो कार्य क्या होता है कि जब हम कोई बल लगाएंगे और उससे विस्थापन होगा, तो इन दोनों का जब हम गुणन करते हैं तो हमें कार्य प्राप्त होता है। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तथा वह वस्तु बल की दिशा में विस्थापित होती है। मान लीजिए ये कोई वस्तु है, जब मैं इसके ऊपर यूँ बल लगाती हूँ तो ये यहाँ से यहाँ खिसक के चला गया है और मेरी उंगली के द्वारा इस पर बल लगाया गया है। तो ये जो बल लगा है और जितना विस्थापन हुआ है, इन दोनों का गुणनफल जो होता है वो क्या होता है? कार्य होता है। कि जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वह वस्तु बल की दिशा में विस्थापित होती। अब क्योंकि मैंने इसको ऐसे लगाया था बेटा, इस तरह से इधर को मैंने बल लगाया है, तो इसलिए उस दिशा में ये गई है। अगर मैं इधर से बल लगाऊंगी तो ये इस दिशा में आए, मतलब जिस दिशा में बल लगाया गया उस दिशा में वस्तु जो होती है विस्थापित होती है। तो कहते हैं कि बल द्वारा कार्य किया गया कहा जाता है। तो कार्य इज इक्वल टू बल गुना विस्थापन। कार्य को हम शो करते हैं डब्ल्यू से और बल को भी शो करते हैं एफ से, क्योंकि फोर्स होता है, फोर्स का एफ आ जाता है, विस्थापन, विस्थापन को एस से शो करते हैं। ठीक है बेटा, अगला है, जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल इसके विस्थापन की दिशा में हो तो किए गए कार्य का व्यंजक क्या होगा। वही क्वेश्चन वाला ही है इसमें कि जब वस्तु में विस्थापन उस पर लगने वाले बल की दिशा में होता है तो कार्य इज इक्वल टू बल गुना विस्थापन, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस आ जाएगा। एक जूल कार्य को परिभाषित कीजिए। एक जूल कार्य किया गया कहा जाता है यदि वस्तु पर लगने वाला बल जो है वो एक न्यूटन हो तथा वस्तु अपनी ही दिशा में विस्थापित हो जाती है, वो एक मीटर की दूरी से विस्थापित हो जाती है, तो एक जूल बल होता है। जैसे W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 को जब 1 से गुना करेंगे तो हम। ठीक है बेटा, इस तरह से ये इसमें आएगा। मेरे को लगता है मैंने ये क्वेश्चन आपको पहले भी समझाए थे, अगर जिन बच्चों ने नहीं समझे हुए हैं तो बेटा वो दोबारा से समझ लो। तो प्रश्न है अगला, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है। गतिज ऊर्जा नाम से पता चल रहा है जिसमें गति होगी। ठीक है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसमें उपस्थित गति के कारण होती है। जब वस्तु कोई गति करती है तो उसमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है, जैसे गतिशील पत्थर, बहती हुई वायु, घूमता हुआ पहिया। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा का एक व्यंजक लिखिए, मतलब उसका फॉर्मूला क्या है। एक m द्रव्यमान वाली वस्तु है जो समान वेग v से गतिशील हो जाती है, तो उसकी गतिशील ऊर्जा हो जाती है किसके बराबर, 1/2